नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। अरुण जेटली ने कहा उड़ी हमले पर सेना का रुख ही सरकार का रुख। जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में सेना के शिविर पर आतंकवादी हमले के जवाब में कड़ी कार्रवाई की बढ़ती मांग के बीच सरकार ने बुधवार को स्पष्ट किया कि इस मामले में सरकार का वही रुख है जो सेना का है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उड़ी आतंकवादी हमले के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया पूछे जाने पर भी कहा कि इस हमले पर सेना ने जो कहा है वही सरकार का भी रुख है। उन्होंने कहा कि वैसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी इस बारे में अपनी बात रखी है। शहीदों की विधवाओं ने मांगे 180 पाकिस्तानी सैनिकों के सिर। वर्ष 1999 में हुई कारगिल की लड़ाई सहित अन्य मौकों पर देश की सरहद पर शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं ने भारत सरकार से उड़ी में शहीद हुए एक एक सैनिक के बदले शत्रु के दफ दफ सिर डालने के वादे को पूरा करते हुए 180 पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों के सिर कलम कर लाने की मांग की है। शहीद हेमराज सिंह की पत्नी धर्मवती एवं 1999 के शहीद सोरन सिंह की पत्नी कमलेश देवी, भवनपुरा के शहीद सुमेध सिंह की पत्नी सीमा सिंह एवं हाल ही में शहीद हुए झंडीपुर के बबलू सिंह की पत्नी रविता आदि ने सरकार से उड़ी में मारे गए शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हर एक शहीद के बदले दुश्मनों के 10-10 सिर लाने की मांग की है। पाक ने दिखाई अमेरिका को आंख सीमित नहीं करेगा परमाणु कार्यक्रम। उड़ी हमले के बाद दुनिया में अलग थलग पड़े पाकिस्तान ने अमेरिका को आंख दिखाने की हिमाकत की है। पाकिस्तान ने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने की अमेरिका की सलाह को नकार दिया है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की प्रतिनिधि डॉक्टर मलिहा लोधी ने पाक विदेश सचिव एजाज चौधरी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते अमेरिका की सलाह को नकारते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारे लिए अब मुद्दा नहीं बल्कि मिशन कश्मीर बन गया है। नवाज शरीफ के अमेरिकी दौरे का यह इकलौता एजेंडा है। अब अलग से नहीं आएगा रेल बजट, आम बजट का ही होगा हिस्सा। सरकारी आय व्यय और निवेश के प्रस्ताव रखने और पारित करने के मामले में एक बड़े बदलाव वाले निर्णय के तहत मंत्रिमंडल ने सालाना आम बजट फरवरी के अंत की परंपरागत तारीख से एक महीने पहले पेश किए जाने के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में रेलवे का बजट अलग से पेश करने की 9 दशक से भी अधिक पुरानी परंपरा को भी समाप्त कर उसे आम बजट का हिस्सा बनाने का भी निर्णय किया गया है। अमेरिकी टोही विमान दुर्घटनाग्रस्त पायलट की मौत। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में बुधवार सुबह U-2 नामक टोही विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले उससे निकलने के दौरान एक अमेरिकी पायलट की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। अमेरिकी वायुसेना के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि सुबह करीब 9 बजे प्रशिक्षण अभियान के लिए व्हील वायुसेना अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।